जिला बिजनौर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचकर नजीबाबाद तहसील क्षेत्र के जोगिरमपुरी दरगाह ए आलिया नजफ हिंद जियारत पहुंचकर मजार पर चादर चढ़ाकर दुआ मांगी। बिजनौर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे बिजनौर दरगाह ए आलिया नजफ हिंद जियारत के लिए पहुंचे मुख्तार अब्बास नकवी। दरगाह कमेटी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया स्वागत। मुख्तार अब्बास नकवी ने मजार पर चादर चढ़ाकर दुआ मांगी। थाना नगीना देहात रायपुर के जोगिरमपुरे का मामला। सर, आज आप विश्व प्रसिद्ध दरगाह नजफ हिंद पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, हम हमेशा ज़ियारत करने आते हैं और पिछले दो सालों से कोविड वगैरह की वजह से भी मेरा आना नहीं हो पाया था, लेकिन मैं पिछले लगभग 30 सालों से ज़्यादा वक्त से दरगाह में और इस दरबार में हाजिरी देता रहा हूँ और मैंने अमन व अमान की, पूरे मुल्क की तरक्की की, पूरी दुनिया और आलम इंसानियत के सुकून की और तरक्की की दुआ की। सर, बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दो चेहरे बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों को दी, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह जी को, क्या कहना चाहते हैं, किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? देखिए, दोनों लोग जो है वो पार्टी के बहुत ही कमिटेड लीडर हैं और दोनों लोगों ने पार्टी में गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान तक पहुंच करके और काम किया है और दोनों लोगों का पार्टी को जो जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, मुझे लगता है कि उससे पार्टी को फायदा होगा। सर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रेल मंत्री को यहाँ प्रभारी बनाया गया है अश्वनी जी को दोनों लोकसभा सीटें के लिए, तो क्या तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं 2024 में? देखिए, अलग जो हमारे मिनिस्टर्स हैं और भी जो सीनियर लीडर्स हैं उनको समय समय पर अलग अलग जगहों से संगठन जिम्मेदारियां देता है, सरकार जिम्मेदारी देती है और ये जिम्मेदारी हम ये काम जो है हमारा लगातार चलता रहता है। इसलिए मोदी जी कोई पानी का बुलबुला नहीं है बल्कि परिश्रम का शिला है और उन्होंने जो परिश्रम के परिणाम को और तपस्या की ताकत को उन्होंने देश के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का परिणाम बनाया है। सर, ये विश्व प्रसिद्ध दरगाह है लेकिन मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है, जैसे सड़कें, बिजली, इस चीज़ को लेकर गडकरी जी बहुत काम कर रहे हैं पूरे देश में सड़कों को लेकर, तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा भी कुछ ऐसा लगे कि विश्व प्रसिद्ध दरगाह? नहीं, देखिए विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, अगर आप देखें 30 साल पहले तो बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं था, फिर आज जो है रोडें भी हैं, आज लोग आसानी से आ भी रहे हैं, काफ़ी कुछ हुआ है लेकिन काफ़ी कुछ होना चाहिए और होगा। ओके।